नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रसभरी की एक प्रजाति है मकोए। इसे भंबोलन, काकमाची, भटकोइया के नाम से भी जाना जाता है। यह रसभरी हमारे देश के लगभग हर राज्य में पाई जाती है। छोटे टमाटर की तरह दिखने वाली यह मकोए किडनी के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, साथ ही कई बीमारियों से हमें बचाती है। क्या है मकोए? खास तौर पर छाया में उगने वाला पौधा होता है, जिस पर लाल और जामुनी रंग के टमाटर की तरह दिखने वाले फल लगते हैं। इसके बीज बैंगन की तरह होते हैं, लेकिन बैंगन के बीजों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। मकोए का पौधा झाड़ीनुमा होता है। इसकी लंबाई अधिकांश 1 से 1.5 फीट होती है। मकोए के पत्ते आयताकार और अंडाकार होते हैं। इस पर बहुत छोटे सफेद रंग के फूल आते हैं, जो बाद में हरे रंग के फल में बदल जाते हैं। मकोए आमतौर पर 2 रंगों के होते हैं, लाल और जामुनी। लाल रंग के मकोए जामुनी रंग के मकोए की तुलना में कुछ छोटे होते हैं। स्वाद की बात करें, जामुनी मकोए में मीठापन अधिक होता है, जबकि लाल मकोए खट्टा मीठा होता है। बीमारियों में लाभकारी। मकोए को त्रिदोष नाशक माना जाता है, अर्थात वात, पित्त और कफ का नाश करने वाली। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 गुण होते हैं। जब इन तीनों में से किसी भी गुण की कमी या अधिकता हो जाती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। मकोए का सेवन हमारे शरीर में इन तीनों ही गुणों के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। इसी कारण इसे त्रिदोष नाशक कहते हैं। यदि नियमित रूप से सीमित मात्रा में मकोए का सेवन किया जाए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। पीलिया में लाभकारी। पीलिया यानी जॉन्डिस का रोग होने पर यदि नियमित रूप से दवाओं के साथ ही मकोए का भी सेवन किया जाए, तो बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने में सहायता मिलती है। मकोए के पत्तों का काढ़ा पीने से भी पीलिया में लाभ मिलता है। मकोए का किसी भी रूप में सेवन करने से पहले जरूरी है कि आप अपने नजदीकी वैद्य से इस बारे में बात करें, ताकि वह आपकी सेहत को देखते हुए इसकी सही मात्रा और खाने का सही तरीका आपको बता सके। वीर्य बढ़ाने में मददगार। मकोए को शक्ति बढ़ाने वाला भी माना जाता है। देसी नुस्खों में इस फल का बहुत उपयोग होता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोगियों का इलाज करने वाले विद्वान भी मकोए के सेवन का सुझाव देते हैं। मकोए वीर्य की उष्णता बढ़ाते हैं और इसकी मात्रा में भी वृद्धि करने में भी सहायक माना जाता है। किडनी की सेहत के लिए लाभकारी। मकोए के सेवन से हमारी किडनी हेल्दी रहती है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, किडनी एरिया में सूजन की समस्या हो, तो मकोए का रस या मकोए से बहुत अधिक होता है। यह फाइबर से भरपूर फल होता है, इसलिए पेट को साफ रखने में मददगार होता है। कुष्ठ रोग में लाभकारी है मकोए। जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग की समस्या हो, उनके लिए मकोए का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। खास बात यह है कि शायद ही कहीं आपको मकोए बाजार में बिकते हुए दिखे। यह इतना नाजुक फल होता है कि इसे पेड़ से तोड़कर तुरंत ही खाया जाए तो अधिक लाभकारी रहता है, क्योंकि इसका ऊपरी छिलका बहुत महीन होता है। गांव में सड़कों के किनारे, खेतों में, मेड़ के आसपास और किसी बड़े छायादार वृक्ष के नीचे मकोए का पौधा अक्सर देखने को मिल जाता है। कुष्ठ रोग के इलाज में मकोए के फल और पत्तियों दोनों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये समस्या है, तो आप भी मकोए का सेवन करें, इससे आपकी बहुत सी बीमारियां दूर होंगी। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक व कमेंट करें, और मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।